हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा एक विश लिस्ट गाइस, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी मतलब टच वुड नजर ना लगे, बट मैं जो मेरे सोची थी मैंने स्टार्ट में, वो चीज़ मेरी मतलब वो चीज़ हो रही है एंड मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं उसके लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो गाइज, आज जो मेरी एक विश लिस्ट पूरी होने वाली है वो बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो अभी उसकी पैकिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे बैग पैक हो रहे हैं, ये सब हम लोग का सामान है। तो ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी। तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग ट्रिप होने वाली है ये और बहुत मज़ा आने वाली है। सो गाइज, ये ट्रिप में क्या क्या होगा मैं सब आपको बताऊंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ट्रिप में मेरे साथ एक स्पेशल इंसान भी है, तो बहुत मज़ा आएगी। तो चलो गाइज अभी, और वो इंसान के साथ मेरी फर्स्ट ट्रिप है ऐसा अगर आप देखने जाए तो। तो अभी चलो फटाफट पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ। सो लेट्स गो एंड डू द पैकिंग। सो लेट्स गो। तो गाइज अभी पहले सब क्या बोलते हैं इसको, पेटीकोट बोलते हैं, साड़ी के अंदर जो पहनते हैं वो ले रही हूँ। और ये एक मेरा, और गाइज ये ट्रिप में मैं और दिव्या हम लोग दोनों ऑलमोस्ट सब कपड़े सेम पहनने वाले हैं। हम लोग के पूरे सब कपड़े ट्विनिंग वाले हैं, सब सेम है। तो ये पहले हम लोग ने रेड ड्रेस रख दिया है, अब दूसरे सब कपड़े रख देते हैं गाइस। और मैं आपको बताती हूँ, मैं जो सुबह से निकली हूँ, बस मैं सुबह से घूम ही रही हूँ यहाँ वहाँ, क्योंकि गाइस एज यूजुअल आपको पता है कि मुझे मेरे साइज के कपड़े कभी जिंदगी में नहीं मिलते क्योंकि मैं इतनी पतली हूँ। तो इसके लिए मुझे पहले सब खरीद के मतलब लेना पड़ा, फिर उसके बाद में मुझे जाना पड़ा टेलर के पास, और टेलर के पास जाके फिट करवाना पड़ा वहाँ पे। तो बहुत हेक्टिक हो गया मेरे लिए और मुझे इतनी चक्कर आ रही थी, अभी मैं आपको क्या बताऊँ। बट फिर मैंने नींबू पानी पी तो अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग फटफट पैकिंग करते हैं। और गाइज मैंने एक बहुत प्यारा लखनवी ली हूँ जो मैं वहाँ पे पहनने वाली हूँ, ये वाइट वाला जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहन के आपको मतलब वहाँ पे पहनूंगी तो ऑब्वियसली आपको बताऊँगी मेरा पूरा लुक जो मैं पहनने वाली हूँ। सो चलो गाइज फटफट, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी फटफट मैं पैकिंग करती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज फाइनली हम लोग निकल गए हैं, और मतलब आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों चल रही हूँ मैं। तो हाँ गाइज, दो टैक्सी गई है, एक टैक्सी में दिव्या और भाभी इन लोग सब गए हैं, और एक टैक्सी में अभी जाएंगे मैं और सागर। हम लोग ने सब सामान रख दिए, लेकिन एंड मोमेंट पे प्रॉब्लम ये हो गई कि वो गाड़ी छोटी आ गई, जो हम लोग ने एंड ड्राइव बुक किया था वो गाड़ी छोटी आ गई। तो इसके लिए अभी हम लोग दोनों को जाना पड़ रहा है दूसरी टैक्सी में। तो चलो अभी देखते हैं दूसरी टैक्सी हम लोग को कहाँ मिलेगी, पूरा स्लोप उतरना पड़ रहा है मेरे घर का भाई। चलो चलते हैं, और 20 मिनट में हम लोग की ट्रेन मतलब टाइम है ट्रेन का। और एज़ यूजुअल गाइज हम लोग लेट है, और सब लेट का रीज़न है सागर, उसको कुछ काम था तो इसके लिए वो बाहर था, इसके वजह से हम लोग को लेट हो गया। और यहाँ पे वो बैठा है चुपचाप इसके लिए क्योंकि उसकी गलती है। तो अभी हम लोग बस प्रे करो कि हम लोग पहुँच जाए 20 मिनट में ताकि हम लोग की ट्रेन ना मिस हो। तो चलो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं यार। गाइज हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं CST स्टेशन से, हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग किसके साथ जा रहे हैं। तो मैं, सारा, भाभी, दिव्या और सागर के फ्रेंड्स, उन लोग सब लोग के साथ हम लोग जा रहे हैं। और ये हम लोग की फर्स्ट ट्रिप है उन लोग के साथ, सागर के फ्रेंड्स के साथ। तो बहुत मज़ा आने वाली, मतलब हम लोग सब लोग उन लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं, सब हम लोग के भाई जैसे ही है। तो बहुत मज़ा आने वाली है ट्रिप में। सो गाइस चलो चलते हैं। फाइनली अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर, और अभी जस्ट ट्रेन स्टार्ट हुई है, और सारा थोड़ा चिड़चिड़ कर रही है बिकॉज उसको थोड़ी सर्दी हो गई है। तो अभी हम लोग बैठे हैं, अभी हम लोग सब लोग खाना खाएंगे। उसके बाद जो सब फ्रेंड्स हैं मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है, तो फिर हम लोग जाएंगे उनके पास मिलने के लिए। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं। हम लोग का खाना खाकर हो गया है, और सारा ने यहाँ पे देखो कितना कचरा कर दिया है। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग के साथ और कौन कौन है। तो यहाँ पे है मयंक, एंड यहाँ पे है मोर्चा, तो और यस डॉक्टर मोर्चा गाइज इज अ डेंटिस्ट, और भी तीन लोग हैं जो दूसरे इसमें बैठे हैं, मतलब दूसरे डब्बे में बैठे हैं, कंपार्टमेंट हाँ दूसरे कंपार्टमेंट में बैठे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे उनको भी मिलने के लिए। तो आपको सबको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कौन कौन है, फिर आप व्लॉग में देखोगे अभी उनको आगे। तो हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाली है। सो गाइज आप व्लॉग रेगुलरली देखते रहना ये। और मैं मयंक से ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे ये क्या बात हो गई, कुछ बोलना पड़ेगा सब्सक्राइबर्स के लिए, ऐसा थोड़ी होता है. आरती के लिए रिश्ते भेजो. गाइस मत सुनो किसी की भी कुछ. अरे अभी बोला ना आरती कचरा फेंक. हाँ ये ले आरती कचरा फेंक. क्या सो गाइज एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ. जो मोर्चा एक्चुअली इसका नाम प्रथमेश है लेकिन सब उसको प्यार से मोर्चा बुलाते हैं. यस डॉक्टर मोर्चा. तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, रुको आपको बताती हूँ. बता. हाय गाइज. सो गाइज ये हाथ वाला भी गाइज ये इसका एक्सीडेंट हो गया था. बाप रे कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ है गाइज. आप देख के मैंने जब देखी पहले मेरे को लगा टैटू है, लेकिन फिर बाद में जब उसने बताया तो बाप. तो गाइज आप इससे एक चीज की सीख मिलती है हमें कि अगर हमें कहीं जाना हो तो सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए जाने का, तो इंसान कैसे भी आ सकता है. अगर नहीं आना है तो फिर वो कुछ भी बहाने देते हैं गाइज लोग. लेकिन एनीवेज हम लोग का प्लान, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये डेडिकेशन देख के कि इतना लगने के बाद भी वो बंदा आया है. सो वेरी नाइस. चलो एनीवेज होता है तो चलो अभी दूसरे लोग से भी मिलाती हूँ गाइज आपको. क्या बोल रहा था गाइज को बता दो. गाड़ी संभल के चलाओ. यस सही बात है. सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं जो बाकी सब फ्रेंड्स हैं उनके वहाँ पे, तो चलो चलते हैं. और तीन डब्बे दूर है गाइज, तीन डब्बे मतलब दूर उन लोग का सीट है. तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं और मेरे को एकदम डर लगता है ट्रेन में चलने के लिए, क्योंकि जब वो ऐसे ऐसे होता है ना तो मेरे को लगता है कहीं मैं चलो गाइज तो चलते हैं वहाँ पे. सो गाइज अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं बाकी सब फ्रेंड्स, सागर के बाकी सब फ्रेंड्स से मिलने के लिए. सो यस हु आर यू. मेरा भी लियो साइन. लियो मून साइन गाइज सेंड रिश्ता. मेरे राइट साइड पे है गुंजन. उनके साथ कोई तो है बट वो थोड़ा शाय फील कर रहे हैं तो इसलिए मुझे को बुला. तो गाइस अभी हम लोग बैठ के खेलेंगे ऊनो एंड फिर जाएंगे सब लोग सोने के लिए, क्योंकि हम लोग को सुबह उठ के और भी कहीं जाना है और भी चीजें करनी है. सो क्या क्या होगा वो सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगी. सो चलो खेलेंगे. सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम लोग सब लोग कब से सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारा सो ही नहीं रही है. वो लिटरली भाभी को इतना परेशान कर रही है, मतलब उसको नींद नहीं आ रही क्योंकि वो पहले ही मतलब अभी थोड़े टाइम पहले सोकर उठी, तो इसके लिए वो सो ही नहीं रही है. और हम लोग कब से ट्राई कर रहे हो इतना कुछ कर रहे हो वो सो, और लिटरली ट्रेन में उसी की आवाज़ है. इतना चिल्ला रही है वो, इतना चिल्ला रही है. सब जो बाजू में वाले थे वो तो अभी थोड़े टाइम पहले आके कंप्लेंट करके गए कि आवाज़ आ रही है. वो बात कर रहे थे उसी में, मतलब हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे उसी में उन लोग ने कंप्लेंट कर दी. और अभी सारा तो सो ही, सारा का ही इतना आवाज़ आ रहा था, इतना आवाज़ आ रहा था, वो सो ही नहीं रही है. पता नहीं लोग क्या ही कंप्लेंट करेंगे और क्या ही लोग बोलने वाले हैं बाजू वाले अभी, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको, भाभी कब से ट्राई कर रहे हैं सुलाने का, बंदी मान ही नहीं रही है सोने के लिए. अभी फाइनली उसको थोड़ा बाहर ऐसे मतलब बाहर इन द सेंस थोड़ा वहाँ पर टहलाने लेकर गए ताकि वो थोड़ी शांत हो जाए. बट वो भाई अलग, बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ा रोडीज़ का टास्क है भाई साहब. मतलब सब लोग आजू बाजू वालों को मतलब परेशान कर दी उसने, हम लोग को तो करी बस आजू बाजू वाले लोग को भी परेशान कर दी है. और हाँ मैं ये बोल रही थी गाइस, मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि आज है 22 मार्च है आज, और आज के दिन ही 4 साल पहले लॉकडाउन लगा था और सब कुछ बंद हो गया था. आपको बताया है कि तभी सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई थी, तो मुझे आज वो रियलाइज़ हुआ कि आज 4 साल हो गए उस चीज़ को कि लॉकडाउन हुआ था. तो बाप रे बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है लॉकडाउन में, बहुत लोगों के साथ बहुत अलग अलग चीज़ हुई है, कुछ लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी है. आप अपना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे शेयर करना कमेंट्स में, तो मैं भी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने लॉकडाउन में क्या करी. सो गाइज फाइनली हम लोग उतर गए हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या.
हुआ ये कि हम लोग मतलब सब सोए थे, सबके सब सोए थे और स्टेशन आ गया हम लोग को और किसी को पता नहीं। वो तो अच्छी बात है कि सागर उठा और फिर सागर ने बोला अरे स्टेशन आ गया, तो सब लोग एक सिर्फ एक मिनट का टाइम था गाइस, ट्रेन हिलने वाली थी और हम लोग सब लोग का सामान कुछ भी नीचे नहीं आया था। फिर हम लोग ने एक एक करके जो फटाफट धड़ सब सामान नीचे लेकर आया। बेचारी सारा सोई थी, सारा को ऐसे ही उठाए और ऐसे ही उसको फटाफट नीचे उतार दिए। अगर एक और है ना, उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि है ना, भाभी का फोन पिलो के नीचे रखा था और ट्रेन हिली और भाभी को याद है, फिर सागर फटफट भागा और उसने मोबाइल लेकर आया, नहीं तो मोबाइल भी जाता आज। और इतनी प्रॉब्लम होती, बाप रे बाप, सब इतने आलसी है, सब सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं स्टेशन आ रहा, बताओ गाइस बेचारी की हालत देखो। चीज कहे तो स्टेशन पे इधर बिठा दे इसको। और गाइस ये देखो यहाँ पे सुबह सुबह स्टेशन पे ब्रश करना चालू हो गया है। शेर लोग ब्रश करते हैं क्या? ये देखो और इसको, इन लोग सब लोग चाय पी रहे अभी यहाँ पे स्टेशन पे। ये देखो वन मोर और ड्रिंक एंड ड्राइव, वन मोर। और सारा गाइस अल्लाह की सदमे में, शी इज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। सारा सारा पापा है सर। सो गाइस ये देखो सारा के अलग सवारी चल रही है यहाँ पे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, फिर उसके बाद में हम लोग रेडी होके जाएंगे जहाँ पर भी हम मतलब जहाँ पर हम जाने वाले हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू द नेक्स्ट व्लॉग।